नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने फोन पे ऐप में जो है किसी को पैसा ट्रांसफर किया हुआ है, पैसा जो है आपके अकाउंट से जो है कट चुका है, लेकिन लाभार्थी के पास जो है पैसा नहीं गया हुआ है, आपके साथ अगर ये समस्या है तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर जो है देखना होगा। यहाँ पर देखिए, जो आपको बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट से जो है पैसा कट चुका है, ये पैसा आपके अकाउंट में जो है वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ये पैसा जो अभी तक हमारे अकाउंट में जो है वापस नहीं आया हुआ है। ये समस्या जो है आपको किसी भी UPI ऐप से जो अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इस समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इत्यादि। यहाँ हमारा एक दोस्त है, पैसा जो है ट्रांसफर कर रहा था, 1000 रुपये जो है फर्स्ट टाइम ट्रांसफर किए, तो पैसा जो है कट चुका था, लेकिन लाभार्थी के पास जो है नहीं गया, हमारे पास जो है पैसा नहीं आया, उनके अकाउंट जो है पैसा कट चुका था वो। तो इसके बाद उन्होंने ट्राई किया 1000 और, तो 2000 रुपये उनके अकाउंट से जो है कट चुका था, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट जो है पैसा वापस नहीं आया हुआ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा कटा हुआ पैसा जो है कैसे वापस लाया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल परमाटे। चैनल पर नए आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 48 घंटे के अंदर जो भी आपके अकाउंट में पैसा कटा हुआ है तो ऑटोमेटिक जो है क्रेडिट हो जाता है। अगर क्रेडिट नहीं होता है तो ये तरीका जो है आपको अपनाइएगा, तो आपका पैसा जो है जल्द से जल्द आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर आपने फोन पे ऐप से या गूगल पे से या पेटीएम से आपने जो है किसी को पैसा ट्रांसफर किया है UPI के जरिए, तो आप लोगों को क्या करना है कि फोन पे में जो है छोटा सा एक जो है कंप्लेन करना होगा। फोन पे से आपने अगर पैसा ट्रांसफर किया है तो फोन पे जो है ओपन कर लीजिएगा। फोन पे ओपन कर देने के बाद आपको हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो है हिस्ट्री का ऑप्शन जो है दिया गया है, तो हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद जो भी पैसा आपके अकाउंट से जो है कट गया होगा या उन लाभार्थी के पास नहीं गया होगा, तो उस ऑप्शन को जो वो अमाउंट को जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको दिखाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, लेकिन जबकि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, चलिए अगर मान लीजिए 1000 रुपये आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्त के पास भी जो है नहीं गया है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोन पे सपोर्ट, तो आप लोग को इस वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। इस वाला ऑप्शन पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, आपने जो छोटा मोटा जो है फोन पे ऐप में जो है कंप्लेन कर दिया है कि ये पैसा जो है कट चुका है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में जो है रिफंड नहीं आया हुआ है, नहीं लाभार्थी के पास जो है ये पैसा नहीं भी गया हुआ है। ट्रांजेक्शन डिटेल वाला ऑप्शन पर पहले जो है क्लिक करना होगा। इस नंबर को जो है आप लोग जो ट्रांजेक्शन ID और जो UTR नंबर, इसको कॉपी करके आप लोग को जो है रख लीजिएगा। दूसरा स्टेप आपको यह करना होगा कि आपका अगर किसी भी बैंक में जो है अकाउंट है, जैसे कि SBI में है, पंजाब में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर जो है कॉल करना होगा। कॉल करके सारा जानकारी जो है शेयर करना होगा कि हमने इस ऐप से जो है इतना 1000 रुपये जो है ट्रांसफर किया हुआ, जो भी आपका अमाउंट हो सकता है। इसके बाद ट्रांजेक्शन डिटेल जो है, ट्रांजेक्शन ID या UTR नंबर जो है आप लोग उनके साथ जो है शेयर करना होगा। इसके बाद उन्होंने आपका जो भी कंप्लेन है दर्ज करेंगे, दर्ज कर देने के बाद आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में अगर क्रेडिट नहीं होता है, तो आपको आपने जहां अगर अकाउंट ओपन कराया हुआ, आपको अपने ब्रांच में जो है जाना होगा। ब्रांच में जाने के बाद आपको अपने आधार और पैन कार्ड साथ जो है KYC कराना होगा। हो सकता है कि आपके अकाउंट में अगर होल्ड लगा हुआ है, तो अगर